प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों में तटीय मैदान और द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। भारत के जो तटीय मैदान हैं, तटवर्ती मैदान है, यदि भारत की तटीय सीमा की बात करें तो भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो 7,516.6 किमी है। ये भारत की कुल तटीय सीमा है, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर, ये जो उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल से लगती है, 9 राज्यों से लगती है। इन जो तटीय सीमा है, इस पर यानी कि दोनों तरफ तटीय मैदान बने हुए हैं, जो नदियों के द्वारा निक्षेपित मैदान है। पूर्वी जो तटीय मैदान, इसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, और ये है वो यानी कि जहाँ से हुगली नदी है वहाँ से शुरुआत होती है और कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी हुगली नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है वो पूर्वी तट कहलाता है, और इधर से गुजरात की काठियावाड़ से लेकर के कन्याकुमारी का तट है वो पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से ठीक यानी कि समुद्र की तरफ ये तटीय मैदान है, और इस तटीय मैदान की जो स्थिति देखेंगे तो ये जो काठियावाड़ का तट है, वो गुजरात के कच्छ से लेकर के यहाँ तक सूरत तक विस्तृत है। इसको काठियावाड़ का तट के नाम से जाना जाता है। ये तट है वो यानी कि उमंजित है, यानी ऊपर उठा हुआ है, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। जबकि जो सूरत से लेकर के गोवा के बीच का जो तट है, या सूरत से गोवा के बीच का जो मैदान है, उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और कोंकण तट कैसा है? निमंजित तट है। और कोंकण यानी गोवा से लेकर के मंगलोर तक, मंगलोर का है, गोवा से मंगलोर के बीच का जो तट है उसको कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। और मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच का जो तट है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पूरा पश्चिमी तटवर्तीय मैदान है, इसमें 4 अलग अलग यानी कि मैदान है। ये पूरा यानी कि मैदान, इसका उत्तरी भाग उन्मंजित है, जबकि दक्षिणी भाग है वो निमंजित है। और इसके पूर्व के अंदर, यहाँ नाम लाइन की पहाड़ियाँ हैं, या शाहद्री की पहाड़ियाँ हैं, तो इस प्रकार पहाड़ियाँ भी है। और ये जो तट है यहाँ, यानी कि ये संकड़ा तट है, जबकि पूर्वी तट है वो इसकी अपेक्षा चौड़ा तट है। यहाँ जो मालाबार तट है, यहाँ कई प्रकार की लैगून झीलें भी है, यहाँ कई प्रकार की लैगून झीलों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। और यहाँ जो उत्तर का कोंकण तट है और काठियावाड़ का तट है, कन्नड़ तट है, यहाँ नदियों के द्वारा डेल्टा नई बना करके एचूरी का निर्माण किया जाता है। एचूरी का निर्माण है वो नदियों के द्वारा किया जाता है। तो पश्चिमी तटीयवर्ती मैदान है वो पूर्वी तटवर्ती की अपेक्षा संकड़ा है, कम चौड़ा है। इसके अलावा यहाँ अधिकांश नदियाँ हैं वो जवारनदमुख या एचूरी का निर्माण करती है। मालाबार तट में बहुत सारी यानी कि कयाल जो झीलें हैं। और पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वी हुगली नदी से लेकर के ये स्वर्णरेखा नदी तक का भाग है, या स्वर्णरेखा नदी से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो भाग है ये उत्तरी सरकारी तट के नाम से जाना जाता है, जो ज़्यादातर उड़ीसा और आंध्रा में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कावेरी नदी का भाग है, कृष्णा से कावेरी का मध्य का भाग है, ये विशाखापट्टनम तट के नाम से जाना जाता है, या गोलकुंडा तट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कावेरी नदी के दक्षिण का जो भाग है इसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। ये तट है वो यहाँ अधिकांश लैगून झीलों का निर्माण करती है नदियों के द्वारा। तो यहाँ खूब बालू के टीले हैं, ये तट अधिक चौड़ा है और लैगून झीलों का निर्माण भी होता है। और ये जो तट है
वो उन्मंजित तट कहलाता है। लेगुन झीलें जो जैसे पुनीकट झील है, जो लेगुन झील का उदाहरण है, तो इस प्रकार यानी कि लेगुन झीलों का निर्माण पूर्वी तटीवर्तीय मैदान में होता है। पूर्वी तटवर्तीय मैदान है वो स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है, और ये मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। डेल्टा निर्माण के कारण दक्षिणी भाग इस मैदान की चौड़ाई है वो अधिक है। मैदान के समुद्र के निकटवर्ती भाग में बालू के ढेर की लंबी श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, जिसका निर्माण समुद्री लहरों के द्वारा होता है। इन बालू के ढेरों के कारण यहाँ चिल्का और पुनीकट जैसी लेगुन झीलों का निर्माण हुआ है जो पूर्वी तट पर है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार अधिक होने और यानी पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक होने और कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में यहाँ अधिक जनसंख्या भी मिलती है। इस मैदान को उत्तर से दक्षिण में जो उत्तरी सरकारी तट या विशाखापट्टनम तट या कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो अभी अपन ने मैप के अंदर अध्ययन किया है। तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहते हैं। जो तमिलनाडु का मैदान है, कोरोमंडल तट है, ये दक्षिण भारत का अन्न उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोनों ही तटों पर यानी निमज्जन और उत्थापन उन्मज्जन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। जैसे पश्चिमी तट में मुंबई के निकट निमज्जन और कच्छ के निकट उन्मज्जन के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार पूर्वी तट पर भी पांडिचेरी के निकट निमज्जन के प्रमाण मिले हैं, और पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट है, पूर्वी तट की अपेक्षा जो पश्चिमी तट है वो यानी कि अधिक कटा फटा है। फलस्वरूप यहाँ प्राकृतिक पोताश्रय और तट प्राकृतिक पोताश्रय पूर्वी तट की तुलना में अधिक है। तो ये जो पूर्वी यानी पश्चिमी तट है वहाँ प्राकृतिक पोताश्रय अधिक है। इसके अलावा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे एक सुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है। पुनीकट एक वलयाकार प्रवाल झील है जो हरिकोटा द्वीप के द्वारा, जो हरिकोटा द्वीप है समुद्र से अलग होती है। और पश्चिमी तट की यदि अपन विस्तार से अध्ययन करें तो पश्चिमी तट मैदान है वो गुजरात का मैदान, जिसको काठियावाड़ का मैदान कहते हैं, दमन से लेकर गोवा के बीच का भाग है जो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और गोवा से मंगलोर के बीच का तट कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, और मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच का तट है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में है। नर्मदा और तापी के मुहाने के निकट इनकी चौड़ाई अधिक है। कन्नड़ तटीय मैदान सर्वाधिक संकरा है। मालाबार तट पर लेगुन झीलों की संख्या अधिक है। इन मैदानों की छोटी एवं तीव्रगामी नदियां हैं। मलवों की कमी के कारण इस मैदान का विस्तार काफ़ी कम हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां जवार नद मुख का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि पूर्वी तटीय की मैदान की जो नदियां हैं जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और इसकी सहायक नदियां और भी है, महानदी है, और ये नदियों के द्वारा पूर्वी तटीय भाग पर या पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा का निर्माण होता है या डेल्टा का निर्माण करती है। और विशेष रूप से काठियावाड़ गुजरात और कोंकण तट के समीप ये तट अधिक चौड़ा है। गोवा से केरल तक इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान में नारियल, चावल,
सुपारी, केला और गरम मसालों की कृषि की जाती है। तो ये भारत के जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र थे उसमें अलग अलग यानी कि विशेषताएं पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदानों में ज़्यादातर डेल्टाई भाग अधिक है और चावल की कृषि भी विशेष रूप से की जाती है। तो मित्रों, द्वीप समूह हैं जो भारत में पूर्वी और पश्चिमी दोनों यानी कि दिशाओं के अंदर द्वीप समूह हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं जिसे अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, और अरब सागर के अंदर जो पश्चिम के अंदर द्वीप समूह है उसको अपन लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो द्वीप समूह और भी जैसे नदीय द्वीप समूह भी है, कहीं तट पूर्वी और तटीय मैदान है वहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप है। द्वीपों को अपन यानी तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे नदीय द्वीप है तो नदीय द्वीपों में जैसे माजुली नदीय द्वीप है जो स्थलीय द्वीप की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित नदीय द्वीप है जैसे न्यू मोर द्वीप है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित नदीय द्वीप है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है, भारत बांग्ला सीमा पर स्थित है और सुनामी के कारण ये 2004 में डूब भी गया था। और जो प्रभाल द्वीप है, एटोल्स द्वीप है भारत के अंदर, उसमें जैसे लक्षद्वीप है ये एक एटोल्स द्वीप है, और मनार की खाड़ी में पाम्बन द्वीप है ये भी प्रभाल द्वीप की श्रेणी में आता है। दूसरा जो तटीय द्वीप और जो बंदरगाहें हैं उसमें यदि अपन तटीय द्वीप की बात करें तो काठियावाड़ तट और जो सौराष्ट्र का तट है इसमें भी कहीं सारे द्वीप है, जिसमें पीरम है, द्वीप है, भैंसला है, और इसके अलावा करुण भर है, आलिया बेट और खड़िया बेट जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, और खंबात की खाड़ी में ये जो आलिया बेट और खड़िया बेट और करुण ये द्वीप है। कोंकण तट पर भी कुछ एक द्वीप है जैसे बूचर द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप है जो मुंबई के अंदर है, और शाली शेट द्वीप है जो नाहवा शेवा मुंबई शाली शेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। क्राश द्वीप है जो रत्नागिरी के अंदर स्थित है। मालाबार तट पर भी कुछ तटीय मैदानों में द्वीप है जैसे व्यापिन द्वीप है, भटकल द्वीप है, पिजन काक द्वीप है, सेंट मरी द्वीप है। और पूर्वी तट की बात करें तो कोरोमंडल तट पर पाम्बन द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और पाम्बन द्वीप एक एटोल्स का उदाहरण है, प्रभाल द्वीप कहलाता है। इसके अलावा क्रोकोडाइल द्वीप है जो रामेश्वर तट के पास में स्थित है। अडुंटा द्वीप है जो धनुषकोटि तमिलनाडु के पास में स्थित है। हरिकोटा वो भी द्वीप है जो नागपट्टनम के पास में स्थित है, और आंध्रा प्रदेश के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो भी इसी हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। उत्तरी सरकारी तट पर भी कुछ एक द्वीप है जैसे परिकुंड द्वीप है, शॉर्ट द्वीप है, और वीलर द्वीप जिसका अभी नाम है वो अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना गया है। तो ये भी उत्तरी सरकारी तट पर उड़ीसा के अंदर स्थित है। अब बात आती है सागरीय द्वीप। तो सागरीय द्वीप में भारत में अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी के अंदर द्वीप है। सबसे पहले अरब सागर के अंदर टोटल 37 द्वीप है, उनमें से 11 द्वीप ऐसे हैं जो आवासीय है, 11 द्वीप है वो आवासीय है, और सब लक्षद्वीप है जो प्रमुख द्वीपों की श्रेणी में आता है। और लक्षद्वीप जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी है, लक्षद्वीप एक एटोल्स द्वीप या प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप के अंदर और तीन छोटे छोटे द्वीप है जैसे मिनिकाय द्वीप है, वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और भारतीय मौसम वेधशाला जो मिनिकाय द्वीप पर स्थित है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो मिनिकाय द्वीप है, और
दूसरा जो लक्कादीप है, लक्कादीप द्वीप भी स्थित है, और तीसरा है चैतलाट द्वीप, चैतलाट द्वीप। तो इस प्रकार यानी कि लक्षद्वीप के अंदर यदि बात करें, लक्षद्वीप अरब सागर के अंदर स्थित है और ये एक प्रवाल द्वीप भी है। इसमें मालदीव और मिनिकाय के बीच में, मालदीव और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल यानी कि 8 डिग्री चैनल स्थित है। मालदीव और मिनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। मिनिकाय और लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में कान्नारोरे उसके बीच में यानी कि, और एक है अमीन द्वीप। तो माय यानी कि मिनिकाय और अमन द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। मिनिकाय या और अमन द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है, और अमीन द्वीप और कानारोरे के बीच में 11 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये यानी कि अरब सागर में स्थित द्वीपों की स्थिति थी। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है जिसको अपन अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित टोटल 572 द्वीप है, टोटल 572 द्वीप है, और 572 द्वीपों में यानी कि अधिकांश है वो आवासीय नहीं है। उनमें उनको दो बड़े भागों में विभाजित किया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान के द्वीप समूह के चार भाग है। देखो अंडमान द्वीप समूह है, इसके चार भाग है। सबसे उत्तर के अंदर है वो उत्तरी अंडमान है, इसके बाद में मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है, छोटा अंडमान दक्षिणी अंडमान के बाद में, ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये है वो लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान है, छोटा अंडमान है। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है वो डंकन पास स्थित है। डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। इसके बाद में जो कार यानी कि निकोबार द्वीप समूह है, तो निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार है, कार निकोबार और लिटिल निकोबार द्वीप समूह में, कार निकोबार और लिटिल निकोबार द्वीप समूह के अंदर बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। इसके अलावा मध्य निकोबार द्वीप समूह और उसके दक्षिण में सबसे बड़ा निकोबार द्वीप समूह है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट को दूसरी भाषा में पिग मेलिन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दक्षिणी अंडमान के अंदर, ये जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान में एक तो शेल्यूलर जेल है, शेल्यूलर जेल, और इसके बाद में है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो दक्षिणी अंडमान के अंदर यानी स्थित है। शेल्यूलर झील दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, डंकन पास है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है, और ग्रेट निकोबार जो सबसे बड़ा द्वीप है इसके यन के अंदर इंदिरा पॉइंट आया हुआ है। इंदिरा पॉइंट इसी द्वीप समूह के अंदर यानी आया हुआ है। लक्षद्वीप की अपन ने पहले चर्चा की है। तो ये द्वीपों की भारत में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर द्वीपों की स्थिति थी। निकोबार द्वीप है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूलियार है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है, और अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो शेडल चोटी है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी शेडल चोटी है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है।
738 मीटर है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अरब सागरीय द्वीपों की तुलना में अधिक बड़े और अधिक आबादी योग्य भी है। और भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। 6 डिग्री और 30 मिनट से शुरुआत होती है। इंटरव्यू द्वीप और एडरसन द्वीप का निर्माण चूने के पत्थर से हुआ है। तो आपको ये भी बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये एटोल्स के उदाहरण नहीं है। ये जो म्यांमार की पहाड़ी है अराकान योमा पहाड़ी, तो अराकान योमा पहाड़ी के दक्षिणी भाग है जो अब बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है। तो इस डूबे हुए भाग को यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये अराकान योमा पहाड़ी के ही अवशेष कहलाते हैं। इनमें से इंटरव्यू और एडरसन द्वीप है वो चूना पत्थरों से युक्त है। तो ये भारत में जो द्वीपों की स्थिति थी जो दोनों तरह के यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। जैव विविधता की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण यानी कि स्थान है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जैव विविधता का हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। और लक्षद्वीप के अंदर ज़्यादातर कयाल झीलों की स्थिति अधिक है और यहाँ मत्स्य पालन भी बड़े स्तर तक किया जाता है।